ये देखिए हमने ईयरफोन का 2 स्पीकर ले लिया। ये तो मेरे पास ख़राब ये ईयरफोन थे उसके पड़े थे, मैंने ले लिया। और ये ब्लूटूथ है, इसमें अलग से ईयरफोन लगा के कनेक्ट करना पड़ता है इसके जैक में, तब ये प्ले होता है ब्लूटूथ है। बार बार ईयरफोन लगाने से अच्छा इसमें ये स्पीकर ही कनेक्ट कर देते हैं, बार बार ईयरफोन लगा इतना बड़ा वायर होता है। इसे मैं खोल लेता हूँ पहले, इसका निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये देखिए बैटरी है, ये ईयरफोन का जैक है, ईयरफोन की पिन कनेक्ट करने वाला। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कैसे होता है। ये ऐसे कनेक्ट करके फिर जाके आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं इस ईयरफोन को। अब इतना बड़ा वायर कहाँ ऐसे नचाएंगे बांधते फिरेंगे, इसलिए इसमें हम ये स्पीकर ही कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं इनके वायर को उस जैक में से निकाल लेता हूँ। देखिए हम जैक को निकालेंगे नहीं, ख़राब नहीं करेंगे, इसके अंदर ही से होल होता है तो उसी में से वायर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे बाहर। ये हमारा अच्छा खासा डबल स्पीकर वाला ब्लूटूथ बन जाएगा। बार बार ईयरफोन लगाओ सही नहीं रहता है, वायर भी आपस में फंस जाते हैं। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं इसी में बना देता हूँ। अगर आपके पास वो ब्लूटूथ है 1 ईयर वाला ब्लूटूथ हो आपके पास है, उसमें भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह, पहले इसे लगा देते हैं। अब इसमें 4 वायर हैं, हम स्पीकर के जो हैं 2-2 वायर आपस में इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। देखिए ये अब 2 वायर हो गए। अब इस जैक के जो पिन है उसमें कनेक्ट कर देंगे, एक ये वाला इसमें लास्ट वाले में, ये पहले वाले में। आप इन दोनों वायर में से कोई सभी किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले में और लास्ट वाले में ही कनेक्ट करना आपको इन पिन में। ये हमारा हो गया, मैं इसे ऐसे जैसे पैक था वैसे ही कर देता हूँ। मैं ऊपर से लगा दूँ इसका कवर में। ये हमारा हो गया रेडी। ये देखिए ये ब्लूटूथ है ना, आप इसमें भी ऐसे वायर कनेक्ट कर सकते हैं, जो इसके स्पीकर का वायर जहाँ पे लगा है उसमें ये दोनों स्पीकर का वायर कनेक्ट कर देंगे, आपका डबल स्पीकर वाला बन जाएगा ब्लूटूथ। देखिए ये वायर है ना, इसी में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये स्पीकर का वायर था, इसे साइड में लगा देता हूँ अगर आपके पास एक्स्ट्रा होगा ये ब्लूटूथ। ये हमारा रेडी हो गया, मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा के दिखाता हूँ। आप इसे अपने कॉलर में भी फंसा कर ऐसे लगा सकते हैं। ये अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग कराता हूँ। ये ऑन कर दिया, अब इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लूँ। ये हो गया कनेक्ट हमारा। मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ NCS का। मेरे पास अभी इस वक्त माइक नहीं है, तो मैं आपको इस फ़ोन के माइक में ही इसे इसकी साउंड सुनाता हूँ। ठीक है,
ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से आवाज़ आ रही थी इसकी, साउंड है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना।